महात्मा गांधी वो महान इंसान थे जिनके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कहा था कि आने वाले समय में लोगों को यह विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कोई इंसान भी धरती पर आया था। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है और इनकी अहिंसावादी नीतियों के कारण पूरी दुनिया में इनको लोग जानती है। इसके अलावा भी महात्मा गांधी के लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आप इस वीडियो में महात्मा गांधी की लाइफ से जुड़ी 15 ऐसी बातों को जानेंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, 1930 में जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में थे तब उनको वहाँ पर अमेरिका के लिए रेडियो में एक अपना भाषण देना था और जब इनकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए रेडियो के सामने लाया गया तो इन्होंने रेडियो की तरफ कहते हुए कहा कि क्या मुझे इसके अंदर बोलना है। नंबर 2, महात्मा गांधी जब तक जीवित रहे तब तक ब्रिटेन का फॉर्मल प्रिंस विंस्टन चर्चिल उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और घृणा करता था। उसने तो महात्मा गांधी को अथनंगा फ़कीर भी कह दिया था। जब एक बार महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे तो उसने कहा कि मरने दो ऐसे गंदे इंसान को जिसकी वजह से ब्रिटिश अंपायर को खतरा होगा, इसके मर जाने से ब्रिटिश एनमी का ही खात्मा हो जाएगा। नंबर 3, स्टीव जॉब्स गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपने इस प्यार को उनके लिए डेडिकेट करने के लिए वो उनके जैसा गोल फ्रेम वाला चश्मा पहनते हैं। नंबर 4, गांधी जी बचपन में बहुत ज़्यादा शर्मीले बच्चे थे और यही कारण था कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद वो सीधा अपने घर भाग के जाते थे ताकि रास्ते में कोई भी उनसे बात ना कर सके। नंबर 5, गांधी जी का निक नेम मोनिया था, उनके माता पिता और उनके दोस्त उसको इसी नाम से पुकारते थे। नंबर 6, महात्मा गांधी की 13 साल की उम्र में एक 14 साल की लड़की कस्तूरबा बाई के साथ शादी कर दी गई थी। 16 साल की उम्र में जब गांधी जी का पहला बच्चे का जन्म हुआ उसकी कुछ ही समय के बाद मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गांधी जी के 4 बच्चों का जन्म हुआ जो कि एडल्टहुड तक जीवित रहे थे। नंबर 7, गांधी जी अपने जीवन में हर रोज़ 18 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करते थे और स्पेशली 1914 से लेकर 1948 तक इन्होंने रोज़ाना 18 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया और एक अनुमान के मुताबिक इन्होंने 69,000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया है जो कि पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। इनका मानना था कि चलना सेहत की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 8, गांधी जी अपनी धोती की तह में नकली दांतों का एक सेट रखते थे जिसका प्रयोग वो केवल खाना खाते वक्त ही किया करते थे। नंबर 9, गांधी जी की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी जिस कारण इनको जीवन भर इसका अफसोस रहा था। ये अक्सर साबरमती आश्रम से बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए पत्र लिखा करते थे और इस पत्र में खासकर एक मैसेज वो हमेशा देते थे कि बच्चे अपनी हैंडराइटिंग को ज़रूर सुधारें। एक बार इनके ग्रैंडसन ने इनसे पूछ ही लिया कि आप बच्चों को उनकी हैंडराइटिंग सुधारने के बारे में क्यों कहते हैं जबकि आपकी खुद की हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी है। तो यह सुनकर इन्होंने कहा कि हाँ, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को वे बच्चे भी बड़े होकर मेरी तरह पछतावा करें कि उनकी भी हैंडराइटिंग गंदी है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा मैसेज देता हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो। नंबर 10, गांधी जी ने केवल एग और मीट को ही नहीं बल्कि मिल्क प्रोडक्ट्स को खाना भी त्याग दिया था। पर एक बार जब इनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने इनको दूध लेने का सलाह दी, तब गांधी जी ने उनके कहने पर बकरी के दूध का सेवन किया और इसके बाद गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे और जहां भी जाते बकरी को साथ लेके जाते ताकि उन्हें बकरी का दूध हर वक्त ताज़ा मिल सके। नंबर 11, महात्मा गांधी के लाइफ में एक मोड़ तब आया जब वो 1891 में साउथ अफ्रीका में थे और जब एक ट्रेन में सफ़र के दौरान उनकी स्किन की कलर की वजह से उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था तब उन्होंने पहली बार रेशलिज्म के दुख को महसूस किया था और तब उन्होंने यह प्रण कर लिया कि वो इसको मुकाबला करेंगे और इसको जड़ से ख़त्म करके ही रहेंगे।
नंबर 12, महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका और भारत में अनेकों बार जेल हुई। इनके लाइफ के 2038 दिन मात्र जेल में ही बीते थे। जेल की सज़ा के दौरान ही इनकी पत्नी कस्तूरबा बाई की मृत्यु हुई थी। जब महात्मा गांधी को मलेरिया हुआ तो उनको इसलिए रिहा कर दिया गया कि कहीं मलेरिया की वजह से इनकी मृत्यु ना हो जाए और इसके बाद दंगे फसाद भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया था। नंबर 13, महात्मा गांधी 1943 में जब अनशन पर बैठे तो वे 21 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहे थे। इसके बाद ब्रिटिश ने वहाँ के प्रेस पर रोक लगा दी कि वो महात्मा गांधी के कमज़ोर शरीर को लोगों को ना दिखाए, इससे विद्रोह की ज्वाला और भड़क सकती है। इसके बाद ब्रिटिश से एक स्पेशल टीम को बुलाया गया जिसने यह पता लगाना था कि आखिर कोई कैसे 21 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके ऊपर वहाँ के फॉर्मल प्रिंस विजडम चर्चिल ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महात्मा गांधी उनसे भी अच्छा भोजन खा रहे हैं। नंबर 14, एक बार जब भागलपुर में भयानक तूफान आया और भूकंप आया, उस दौरान भागलपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ने उनकी सहायता के लिए जिस तरीके से पैसों को इकट्ठा किया, उसके लिए आज भी उनकी सराहना की जाती है। दरअसल भागलपुर में लोग उनका ऑटोग्राफ लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिर महात्मा गांधी जी ने जितने भी लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने आए, सभी से 5-5 रुपए लिए और इकट्ठा की गई धन राशि को इन्होंने भूकंप पीड़ितों को देकर उनकी सहायता की थी। नंबर 15, महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ देने के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, पर दुखद बात यह है कि उनको यह नोबेल प्राइज़ बिल्कुल भी नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज़ कमेटी भी इस बात का अफसोस करती है कि नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं उनको दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ देने के लिए 1937 में नॉमिनेट किया गया था, इसके बाद 1938 में किया गया था, इसके बाद 1939 में, इसके बाद 1947 में और इसके बाद 1948 में उनकी मृत्यु से पहले, और उन दिनों मृत्यु के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।